ॐ निराचर निवासाय नित्याय परमात्मनि बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पहले मैं इस पावन पुरुषोत्तम धाम का इष्टदेव जगतरनाथ श्री जगन्नाथ को प्रणाम करता हूँ। तत्सहित क्रियाजोग परंपरा का समस्त गुरुवर्गों को प्रणाम करता हूँ तथा हमारा पूज्य श्री गुरु जी का चरण वंदन पूर्वक यहाँ उपस्थित समस्त भक्तजनों का मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज का इस शुभ मुहूर्त में हम लोग श्री गुरु जी का जीवन के बारे में थोड़ा सत्संग करेंगे। हमारा श्री गुरु जी परमहंस प्रज्ञानानंद जी 1959 में अगस्त 10 को ओडिशा राज्य का पटामुंडाई स्थित बेलतड़ा गांव ग्रामों में पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे। उनके पिताजी का नाम निरंजन दास है और उनके माताजी का नाम वैदेही देवी है। बचपन में वो अत्यंत दुबला पतला थे। उनकी भाषा में वो बोलते थे, मेरा मन नहीं था माँ का गर्भ में ज़्यादा दिन रहने के लिए, इसलिए सिर्फ 7 महीना में मेरा जन्म हो गया। इसलिए बचपन में मैं हमेशा रुग्ण रहता था। ऐसे एक भी दिन नहीं है जिस दिन में मैंने औषध खाया नहीं है, और पूरा बाल्यकाल मेरा मेडिसिन और इंजेक्शन में बीत गया था। लेकिन भगवान की अशेष कृपा है, मेरा धी शक्ति अत्यंत प्रबल था। इसलिए हमारा श्री गुरुजी किसी भी विषय में एक बार सुनते थे उसको पूरा याद हो गया था उन, और हमेशा के लिए उनका मेमोरी में वो बैठ जाता था। एक दिन की बात है, वो बोलते थे कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, एक दिन क्या हुआ, एक संस्कृत शब्द का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो हमारा संस्कृत टीचर हमको बुलाया और बोले, देखो बेटा तुम्हारे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, और एक बार नहीं तुम इस शब्द को बार बार लिखने का टाइम में मिस्टेक करते हो, इसलिए देखो इस शब्द को आज तुम 100 बार लिखो। तो मैंने क्या किया ना, उसी शब्द को 100 बार लिखा। 100 बार लिखने के बाद वो प्रसन्न हो गए, बोले देखो बेटा आज के बाद कभी इस शब्द को भूल नहीं लिखना। और मैंने घर चला गया। फिर 2-3 दिन के बाद उसी शब्द का स्पेलिंग फिर मिस्टेक हो गया। उससे मेरा संस्कृत टीचर का क्रोध चढ़ गया और वो हमें पास बुलाया और हमारा सिर को दबा करके एक हमारा पीठ में
ऐसे थप्पड़ लगाया कि जैसे लगा मेरा प्राण निकल जाएगा, आंखों से आंसू निकल आया, मैं रोने लगा और घर में चला गया। और घर में चले जाने के बाद मनन करने लगा, उसी के बाद पता नहीं है क्या भगवान का आशीर्वाद था और मेरा गुरु का कृपा था, उस दिन के बाद कभी भी मेरा संस्कृत शब्द का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुआ। और मैं सोचता हूँ मेरा टीचर का आशीर्वाद है, इसलिए जो कुछ शास्त्र मैंने आज पढ़ा हूँ वो सब मेरा गुरु का आशीर्वाद है। बचपन में हमारा श्री गुरु जी का मन पढ़ाई में जितना लगता नहीं था, सत्संग में, साधु संत का सेवा में और सदग्रंथ पठन में उनका मन ज़्यादा लगता था, इसलिए उनका दिल में हमेशा वो पुकार आता था, यदि भगवान का कृपा से मुझे एक सदगुरु मिल जाएंगे और उनके कृपा से मैं साधन चालू कर दूंगा। क्या हुआ ना, एक दिन जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, उनका एक मित्र मिला और वो मित्र बोलने लगे कि मैं क्रियायोग परंपरा में दीक्षित हूँ और मैं रोज ध्यान अभ्यास करता हूँ। उसको सुनने के बाद श्री गुरु जी का मन में इच्छा हुआ क्रियायोग परंपरा का कुछ किताब पढ़ने के लिए। और एक दिन क्या हुआ ना, कॉलेज के सामने एक दुकान था, किताब का दुकान था, उस दुकान में वो देखे कि एक किताब है, ऑटोबायोग्राफी नाम का एक किताब है। तो गुरुजी ने क्या किया ना, उस किताब को उनका हॉस्टल में ले आए और वो किताब पढ़ने लगे। वो किताब इतना प्रेरणादायक था, उस किताब क्या हुआ, किताब का सारी चरित्र गुरुजी के दिल में बैठ गए और गुरुजी बेचैन हो गए कब वो कोड़ार आश्रम जाएंगे। वो कोड़ार आश्रम जा करके कोड़ार आश्रम का जो सन्यासी है परमहंस हरिहरानंद बाबा का साथ मिलेंगे। एक दिन क्या हुआ ना, उनके जो मित्र है वो सौभाग्य बाबा उनको बोलने लगे कि मार्च 22 कोड़ार आश्रम का फाउंडेशन डे है, उसी दिन को मैं कोड़ार आश्रम जाऊंगा। ये बात सुनकर कि हमारा गुरुजी सोचने लगे, देखो सौभाग्य, यदि तुम जाएंगे तुम्हारा साथ मुझे भी ले जाना है। लेकिन उनके मित्र बोले, नहीं नहीं, जो आदमी जाएगा कोड़ार आश्रम में वो क्रियायोग परंपरा का शिष्य होना चाहिए व क्रियायोग परंपरा में दीक्षित होना चाहिए, तुम्हारा दीक्षा नहीं हुआ है इसलिए मैं तुमको लेकर के जा पाऊंगा नहीं। लेकिन गुरु जी के अंदर में बहुत सारी श्रद्धा था, वो हाथ जोड़ करके उनको विनय का साथ बोले, देखो भाई, आप मुझे लेकर के जाएंगे तो मैं तुम्हारा आना जाना खर्चा भी वहन करूँगा और तुम मुझे लेकर के चलो, मैं ध्यान कक्षा में बैठूंगा नहीं लेकिन श्री गुरुदेव का साथ थोड़ा मिलूंगा और उनका दर्शन करूंगा। उनके मित्र तुरंत राजी हो गए और श्री गुरु जी को लेकर के वो कोड़ार आश्रम में पहुंचे। उसी टाइम में क्या है ना, आश्रम का जो व्यवस्थापक थे वो स्वामी श्री जुक्तेश्वर गिरी जी का समाधि मंदिर का बारंडा में रुकने के लिए उनको जगा दिया और गुरु जी बड़ा प्रसन्न हो गए। जो बात वो सोचते थे और जो स्थान वो स्थान के बारे में वो सोचते थे उसी स्थान और उसी कार्य उनका हो गया। और गुरु जी बड़ा प्रेम से जुक्तेश्वर गिरी जी का समाधि मंदिर में चक्षु बंद करके ध्यान करने लगे। कुछ देर के बाद श्री गुरुदेव का सत्संग चालू हुआ और श्री गुरु जी आकर के सत्संग हॉल में श्री गुरुदेव का पास में बैठ गए और सारी सत्संग सुनने लगे और उनका मन बड़ा प्रेम में भर गया। थोड़ा टाइम के बाद सत्संग खत्म होने के बाद क्या है ना, ध्यान का समय आया और श्री गुरुदेव जितने सारे लोग दीक्षा नहीं लिया है उन लोग को हॉल से बाहर चले जाने के लिए बोले। लेकिन जब श्री गुरु जी का समय आया और गुरुदेव बोले, बेटा तुमको जाना नहीं है, ये लोग सब चले जाएंगे लेकिन तुम थोड़ा इस ध्यान कक्ष में बैठ रहो। और गुरुदेव बड़ा गुरु से गुरु जी प्रसन्न हो गए
क्योंकि ये गुरुदेव का आज्ञा था। और ध्यान हॉल में बैठ करके क्या है ना, थोड़ा टाइम वो गाइडेड जो मेडिटेशन चला उसके बारे में सुनने लगे। उसके बाद क्या हुआ ना, श्री गुरु जी का गुरुदेव के साथ बड़ा प्रेम हो गया। और श्री गुरुदेव जहाँ जाते थे हमारा गुरु जी उनका पीछे उनका पिलो नहीं तो उनका कुशन पकड़ करके चलते थे। धीरे धीरे लोग को ये बात समझ में नहीं आया कि गुरु जी दीक्षित नहीं है और ऐसे आश्रम में रह करके क्या है ना सारे सत्संग का कार्यक्रम में वो ज्वाइन करते हैं। फिर कुछ दिन के बाद शिविर खत्म हो गया और श्री गुरुदेव क्या है ना उनका हॉस्टल में आ गए। वो कटक का कटक स्थित रेवेन्सा कॉलेज में पढ़ाई करते थे। जब हॉस्टल में आ गए क्या हुआ ना, एक महीने के बाद रात में उनको एक स्वप्न आया, जिस स्वप्न में श्री गुरुदेव उनको क्रियाजोग परंपरा में दीक्षा दे रही है, लेकिन वो कोणार्क आश्रम नहीं था, वो और एक आश्रम था जिस आश्रम में एक सुंदर गार्डन था और एक बहुत बड़ा भव्य ध्यान कक्ष था। उस ध्यान कक्ष का बीच में 10-12 लोग का साथ श्री गुरु जी का दीक्षा हो रहा था। उसको देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। जब उसका स्वप्न टूट गया वो सोचने लगे कि मैं दिन रात गुरुदेव के बारे में सोचता हूँ, इसीलिए लगता है कि ये स्वप्न मेरा अंदर में आ गया। उसके बाद क्या हुआ ना, फिर भी वो स्वप्न आने लगा और श्री गुरु जी को लगा कि जैसे गुरुदेव उनको बुला रही है दीक्षा के लिए, वो बड़ा बेचैन हो गए। फिर कुछ दिन के बाद दो मित्र का साथ क्या है ना पूरी कोणार्क आश्रम में जाकर के पहुंचे। वहां श्री गुरुदेव का साथ उनका भेंट हुआ और वो गुरुदेव को बोलने लगे, बाबा क्या है ना मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तो उस दिन में गुरुदेव का मौन था और गुरुदेव उनको देख करके उनकी मौन भी तोड़ दिया और श्री गुरु जी बड़ा प्रसन्न हुए। और जब उनको चरण में प्रणाम किया गुरुदेव उनको बोलने लगे, देखो बेटा मैंने तो तुमको दीक्षा दे चुका हूं और तुम फिर क्यों चाहते हो दीक्षा लेने के लिए। श्री गुरु जी बोले, आप मुझे स्वप्न में दीक्षा दिया है लेकिन मैं आपको आपसे साक्षात से दीक्षा लेना चाहता हूं। श्री गुरुदेव बड़ा प्रसन्न हो गए, बोले बेटा अभी तो मैं तुमको दीक्षा नहीं दे पाऊंगा और एक काम कीजिए, एक सप्ताह के बाद आप भुवनेश्वर आश्रम में आ जाइए और वहां पर आपका दीक्षा हो जाएगा। और श्री गुरु जी क्या किया ना, एक सप्ताह के बाद वो भुवनेश्वर आश्रम में पहुंचे और गुरुदेव उनको बोले थे कि देखो तुम आश्रम में एक सप्ताह रहना है और जब आएंगे आपका साथ एक मच्छर तनी लेकर के आना है और एक सप्ताह रह करके मेरे साथ आप क्रियाजोग का अभ्यास करेंगे। जब श्री गुरु जी जाकर के आश्रम में पहुंचे गुरुदेव बड़ा प्रसन्न हो गए और उसी टाइम में उनको बुला करके क्रियाजोग का दीक्षा दिया, उनका दीक्षा हो गया और उस आश्रम में 7 दिन रह करके वो क्रियाजोग को अभ्यास करने लगे। जब वो क्रियाजोग को अभ्यास करने लगे, क्रियाजोग का बहुत सारी जो टेक्निक है गुरुदेव उनको सिखाया, वो बड़ा प्रेम से अभ्यास किया। वो 7 दिन के बाद जब वो कटक वापस आने के लिए श्री गुरुदेव को बोले और गुरुदेव बोले, देखो बेटा तुम्हारे पास कुछ पैसा है तुम कटक जाने के लिए। और श्री गुरु जी हंसे और बोले, गुरुदेव मेरे पास पैसा है। और वो वापसी आ गए और हॉस्टल में रह करके क्रियाजोग अभ्यास करने लगे और एक दिन में वो उनकी प्रैक्टिस छोड़े नहीं। गुरुदेव श्री गुरु जी बोलते थे कि मैंने इतनी महामुद्रा और प्रणाम अभ्यास करता था, कम से कम दिन में मैंने 40 से 50 तक महामुद्रा अभ्यास कर देता था। मेरा मन जितना पढ़ाई में नहीं लगता था, मेरा मन हमेशा साधन भजन में लगता था। और हॉस्टल में बच्चे लोग जागने से पहले मैं अर्ली मॉर्निंग से जग करके क्या है ना मेरा ध्यान को खत्म कर देता था और किसी को पता नहीं चलता था मैं क्या करता हूँ और क्या टेक्निक अभ्यास कर मैं कर रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ ना, उसी टाइम में हमारा श्री गुरुदेव
8 महीना विदेश में रहते थे और 4 महीना सिर्फ भारत में रहते थे। और जब गुरुदेव विदेश में रहते थे उसी समय में श्री गुरुजी क्या है ना उनके हॉस्टल में अभ्यास करते थे। जब गुरुदेव फिर वापसी आते थे और उनके पास जाकर के उनका संग लेते थे। एक बार क्या हुआ ना, श्री गुरुदेव कटक में एक भक्त का घर में आकर के सिक्लुजन में रहे। और ये बात जब हमारा श्री गुरुजी को खबर मिला तो श्री गुरुजी क्या है ना गुरुदेव के पास फोन किया और फोन में बोले, बाबा मैं आपका दर्शन चाहता हूँ। श्री गुरुदेव बोले, बेटा मैं तो आज पूरी चली जाऊंगा, एक काम कीजिए आप आपका सामान का साथ आ जाइए और मेरे साथ आप पूरी जाएंगे। और श्री गुरु जी क्या है ना उसी टाइम में एक दोस्त का घर में थे और उनका दोस्त का माँ बोली कि देखो कि तुम तो कुछ नाश्ता किया नहीं बेटा, और 4 लड्डू उनको दिए और बोले ये लड्डू 4 ले जाइए साथ में, वो लड्डू 4 खा करके आप क्या है ना पूरी चले जाएंगे। तो जब रास्ते में वो आते थे, वो आने का टाइम में क्या किया ना 2 लड्डू उनका मित्रों को दे दिया और 2 लड्डू से क्या किया ना 1 लड्डू उनकी जेब में रखे और 1 लड्डू वो रास्ते में चलने के टाइम में क्या है ना खा लिया। जब गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव उस टाइम में गुरुदेव का सत्संग चल रहा था और गुरुदेव बोलने लगे, देखो आजकल क्या है ना शिष्य लोग जब रास्ते में चलते हैं चलने का टाइम में फिर खाते हैं, लेकिन साधक को क्या है ना चलने का टाइम में खाना नहीं चाहिए। उससे क्या हुआ ना ये बात गुरुदेव श्री गुरु जी का दिल में लग गया। देखो आज तक क्या है ना श्री गुरु जी कभी कोई ट्रेन में कि बस में कि फ्लाइट में जब यात्रा करते हैं कुछ भी खाते नहीं, पूरा दिन भर वो फास्टिंग में रहते हैं, उपवास करते हैं, यदि हुआ तो थोड़ा जलपान कर लिया लेकिन कभी भी कोई चीज खाते नहीं। तो उससे क्या है ना प्रमाण मिलता है ना छोटा छोटा बात कैसे श्री गुरुदेव का छोटा छोटा बात कैसे श्री गुरु जी क्या है ना जीवन में उसको मानते थे। और वो इसमें क्या हुआ ना श्री गुरु जी का जीवन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया, परिवर्तन हो गया। कुछ दिन के बाद वो उनकी मास्टर डिग्री का एग्जाम हुआ और मास्टर डिग्री का एग्जाम देने के बाद क्या हुआ ना श्री गुरुदेव हिमालय चले गए। जब श्री गुरुदेव हिमालय चले गए और हिमालय में रहने लगे उसी के बीच में उनके मित्र ने क्या किया ना उनका सर्विस के लेक्चर सर्विस के लिए अप्लाई किया और ये भगवान का इच्छा था और प्रभु का कृपा था उसी में उनके सिलेक्शन हो गया। जब श्री गुरु जी हिमालय से वापसी आए और उड़ीसा तब उनको खबर मिला कि उनका नौकरी हो गया है, उनको बड़ा प्रसन्नता आ गया। बिना अप्लाई किए और हरी इच्छा से उनको नौकरी मिल गया और वो जा कर के क्या है ना नौकरी में ज्वाइन कर लिया और पठन पाठन ये जो दोनों चीजें उनको मिल गया। क्या उनका इच्छा था और बच्चे को दिन में पढ़ाते थे और रात में उनका साधन भजन चलता था, लेकिन श्री गुरु जी का मन में हमेशा इच्छा था कि थोड़ा गरीब बच्चे को क्या है ना पढ़ाना चाहिए। इसलिए जिस घर में वो किराए में रहते थे उस घर में कुछ गरीब बच्चे को भी साथ में रखते थे और वो गरीब बच्चे को साथ में रख करके क्या है ना वो पढ़ाना चालू कर दिया। एक दिन ये कुछ बच्चे बोलने लगे, बाबा इस किराए घर में रहने से क्या है ना मकान का जो मालिक है बड़ा चिढ़ता है कभी कभी, हम बच्चे लोग हैं इसलिए जब हम थोड़ा क्या है मौज करते चिल्लाते तो मकान मालिक बड़ा गुस्सा होता है, आप एक काम कीजिए आप एक मकान खरीद कर लीजिए ना। तो ये बात गुरु जी के दिल में लग गया, पैसा कहाँ है, थोड़ा बहुत पैसा है। फिर वो सोचने लगे ये हरि क्या इच्छा है, इसलिए कटक का जगतपुर के पास एक छोटा सा जमीन मिल गया और उस जमीन को श्री गुरु जी खरीद कर लिए और वहां पर एक सुंदर भव्य आश्रम बनाया और अभी उस आश्रम क्या है ना प्रज्ञान मिशन का हेडक्वार्टर बन गया। वो भगवान की इच्छा था, श्री गुरुदेव का इच्छा था। उसके बाद क्या हुआ ना एक दिन श्री गुरु जी कहीं भी जाते थे, श्री गुरुदेव कहीं भी जाते थे और उनके साथ श्री गुरु जी को लेकर के जाते थे। और क्योंकि गुरुदेव को पता था
कि फ्यूचर में श्री गुरु जी उनका सक्सेसर बनेंगे, इसलिए किसी प्रोग्राम में जाते थे तो उनको साथ में लेकर के जाते थे और श्री गुरु जी भी बड़ा प्रेम से उनके साथ में जाते थे। और देखो गुरु का लीला है क्या है ना, गुरु अंतर्जामी होते हैं। हमारा श्री गुरु जी का एक क्या है ना प्रोमिस था, वो कभी भी बाहर में कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन एक दिन में क्या हुआ, वो कुछ खाया नहीं नाश्ता और आ गए श्री गुरुदेव के साथ जाने के लिए। जब ट्रेन में बैठ गए तो गुरुदेव पूछे कि आप कुछ खा करके आए हो, तो गुरुजी चुप रहे और गुरुदेव कुछ बोले नहीं। कुछ देर के बाद, एक घंटे का जाने के बाद, गुरुदेव बोले कि मुझे एक बिस्कुट पैकेट जरूरी है, तुम जाओ बेटा और उतर करके ट्रेन से और स्टेशन से एक बिस्कुट पैकेट लेकर के आओ। ये चीज को सुन करके श्री गुरु जी सोचने लगे, गुरुदेव तो कभी बाहर का चीज खाते नहीं है, लेकिन बिस्कुट पैकेट क्यों मांग रहे हैं। तो उनको समझ में आ गया ये बिस्कुट पैकेट मेरे लिए क्या है ना, श्री गुरु जी श्री गुरुदेव मंगा रही है। तो वो गए नहीं। फिर गुरुदेव बोले, आप गए नहीं, बिस्कुट तो हमें जरूरत है, आप जाओ और उतर करके एक बिस्कुट पैकेट लाओ। जब गुरुदेव उतर करके एक बिस्कुट श्री गुरु जी उतर करके एक बिस्कुट पैकेट लाए और गुरुदेव क्या किया ना, ये बिस्कुट पैकेट को खोला और दो बिस्कुट स्वयं लिया और पूरा बिस्कुट पैकेट को श्री गुरु जी को दे दिया। बोले, देखो बेटा, ये बाहर का बिस्कुट नहीं है, ये गुरु का प्रसाद है और ये गुरु का प्रसाद को खाओ। और गुरु जी खाने लगे और गुरु जी बोले कि हमारा गुरुदेव का इतनी प्रेम था, वो प्रेम में वर्णना नहीं कर पाऊंगा। जब गुरुदेव कड़ार आश्रम में रहते थे उसी टाइम में क्या ना, श्री गुरु जी और कटक में रहते नहीं थे, वो पूरी में जाकर के कड़ार आश्रम में श्री गुरुदेव का साथ रहते थे। वो नौकरी करते थे कटक में, उसी टाइम में सिर्फ एक बस चलता था पुरी से कटक। जब पुरी से कटक को आते थे क्या है ना, सुबह सुबह जाग करके 4 बजे जाग करके उसको कटक आना पड़ता था, इसलिए 4 बजे जाग करके जब वो तैयार होते थे और गेट के पास आकर के गुरुदेव खड़ा हो जाते थे और पूछते थे, बेटा तुम्हारा बैग में कुछ फल रखा है, कुछ खाया है, जैसे माँ बच्चे को पूछते थे, ऐसे सारे छोटी से लेकर के बड़ी काम तक गुरुदेव उनको पूछते थे। कुछ दिन के बाद क्या हुआ ना, एक दिन गुरुदेव बोलने लगे, बेटा मैं चाहता हूँ आपको यूरोप लेने के लिए, आप राजी है। ये बात सुनकर के गुरु जी का मन दुखी हो गया, क्योंकि गुरु जी चाहते नहीं थे विदेश जाने के लिए, क्योंकि वो सोचते थे मैं विदेश जाऊंगा बहुत सारी प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसमें क्या होगा ना, मेरा मन चंचल होगा और बहुत जगह जाना पड़ेगा। और उनको वो सुने थे बहुत सारे गुरुदेव का शिष्य लोग विदेश गए और विदेश में जा करके उनका साधन भजन में बड़ा विघ्न हुआ, और इसलिए उनका मन नहीं था। और वो सोचते थे जाऊंगा तो 50 साल के बाद जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन श्री गुरुदेव का क्या है ना, बार बार अनुरोध से, बार बार बोलने से वो राजी हो गए। और हमारा श्री गुरु जी 1994 में क्या है ना, वियना चले गए और वियना में जा करके पहुंचे और वहाँ श्री गुरुदेव का साथ रह करके वो क्रियाजोग का प्रचार प्रसार करने लगे। एक दिन श्री गुरुदेव उनको बोले, बेटा आज रात में मेरा गुरुजी स्वामी श्री जिगतेश्वर जी मुझे स्वप्न में बोले कि देखो क्या करना है ना, सारे जो संपत्ति तुम्हारा है तुम उसको और पूरी आश्रम का सारी संपत्ति को क्या करना है ना, तुम प्रज्ञानंद जी का बार में नाम में लिख दो। जो प्रज्ञानंद जी का नाम में लिख देंगे क्या होगा ना, वो फ्यूचर में विश्वगुरु बनेगा और क्रियाजोग का सारी प्रचार प्रसार का दायित्व उनके सिर पर आ जाएगा। जब वो चीज गुरुदेव बोलने लगे, श्री गुरु जी का मन दुखी हो गया और वो चुप हो गए और कुछ बोले नहीं और चले गए। वो सोचने लगे, वो इतनी बड़ी, मैं तो आपका, और उनको सामने बोले, गुरुदेव मुझे कोई संपत्ति का जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपका प्रेम चाहता हूँ, प्यार चाहता हूँ, मुझे संपत्ति का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन गुरुदेव सुनने वाले नहीं थे। गुरुदेव फिर जब इंडिया आए
और सारी संपत्ति उनके नाम पर क्या है विल कर दिया और विल करके चले गए। फिर 1995 अप्रैल 25 को गुरुदेव ने कोलकाता में उनके संन्यास दीक्षा कर दिया। वो संन्यास दीक्षा होने के बाद उनका ब्रह्मचरी नाम त्रिलोकीदास मिट करके वो क्या है ना स्वामी प्रज्ञानंद गिरी का नाम में नामित हो गए और उनका सारी संपर्क सांसारिक बंधन टूट गया और वो एक मुक्त सन्यासी बन गए। और उस दिन में उनका मन में बहुत सारे आनंद है और सारा विश्व में घूम करके वो प्रचार प्रसार करने लगे। हमारा गुरुदेव उनका जन्मदिन में अगस्त 10 को उनको परमहंस 1998 में उनको परमहंस उपाधि में भूषित किया और वो एक रियलाइज्ड मास्टर बन गए, एक जीवन मुक्त पुरुष बन गए। उसके बाद हमारा श्री गुरु जी सारा विश्व में भ्रमण करके क्रियाजोग परंपरा का प्रचार प्रसार करने लगे। 1999 में वो साउथ अफ्रीका में जाकर के वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में भी प्रवचन दिया। उसके बाद वो सारा विश्व में भ्रमण करके कई आश्रम स्थापित किया और श्री गुरुदेव उनको बोले तुम कुछ किताब लिखो। वो कम से कम 200 से 300 किताब भी लिख डाले हैं और उसके बीच में कई ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या है ना वो संपादन किया। उसमें क्या हुआ ना सारा विश्व में उनका 100 से ज़्यादा सन्यासी शिष्य बने और सारा विश्व में वो घूम करके यूरोप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का साथ समग्र विश्व में क्रियाजोग का प्रसार प्रसार करने लगे। लेकिन वो सिर्फ क्रियाजोग का प्रचार प्रसार नहीं करते थे, वो एक क्या है ना अच्छा गुरु भी है और उनके जो शिक्षा है वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, वो जो आचरण करते हैं उसको उनका शिष्य को शिक्षा देते हैं। एक दिन की बात है क्या है ना ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग कोर्स चलता था, उस ट्रेनिंग कोर्स का टाइम में क्या है ना एक दिन श्री गुरु जी बोले कि परिपूर्णानंद आज मैं बाड़ाश्रम जाऊंगा, इसलिए ये सारी जो मॉर्निंग क्लास है तुम ले जाना है। क्या है ना उस टाइम में जब ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग कोर्स चलता था देर रात में सोना और अर्ली मॉर्निंग में 3 बजे जागना, ऐसे देर में सोना सुबह जागना, उस टाइम में जागना सोना इसमें क्या है मैं पूरा टायर्ड हो गया था। हमने सोचने लगा कि आज एक दिन मिल जाएगा कम से कम सोने के लिए। फिर मैं क्या किया ना जल्दी जल्दी जा करके योगासन क्लास खत्म कर दिया और योगासन के बाद मैं मॉर्निंग प्रेयर भी कराया सारे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को और 5-7 मिनट से ध्यान गाइड किया और उसके बाद बोल दिया कि आप लोग सब स्वयं ध्यान कीजिए। ऐसे बोलकर कि मैं रूम में चला गया, एक बड़ा क्या है ना कंबल ओढ़ करके सो गया। दिसंबर महीना था, ठंडी का समय था और हमने सोचने लगा कम से कम आज बढ़िया से मैंने सोऊंगा। लेकिन 15-20 मिनट के बाद मैंने सुना मेरा डोर में कोई नॉक कर रही है। हम सोचने लगा कौन नॉक कर रही है, तो गुरुजी बोले कि नमो नारायण। मैंने सोचने लगा नमो नारायण कौन बोल दिया, तो गुरुजी का टोन मैं डर गया। मैं जा करके जब द्वार खोला तो देखा कि हमारा सामने क्या है ना श्री गुरुजी खड़े हैं और वो बोले कि क्या ध्यान चल रही है स्वामी जी। तो मैंने चुप हो गया, बोले तुम जैसे तुम्हारा शिष्य लोग भी ऐसे है, जमन गुरु तेमन चेला है, तो चलो मेरे साथ देखना है। जब मैं जा करके क्या है ना ध्यान कक्षा में पहुंचा तो वहां जाकर के देखा तो कोई नहीं है, 2-4 सिर्फ क्या है ना ब्रह्मचारी लोग है और वो फिर लेटे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं करते थे। बोले देखो सारी लोग क्या है ना रूम में चले गए। फिर हमको भेजे, मेरे रूम में जाकर सब लोग को बुलाया और उस दिन क्या है ना गुरु जी स्वयं क्या है ना ध्यान का क्लास लिए और उससे क्या है ना हमको समझ में आ गया कि सिर्फ बोल देने से ध्यान साधन भजन नहीं होते हैं। इसलिए गुरु का क्या है ना नजर हमेशा शिष्य का ऊपर रहता है और हमेशा क्या है ना शिष्य का ध्यान रखते हैं और
एक पल भी क्या है ना, गुरु का ध्यान शिष्य का ऊपर दूर नहीं होते हैं। तो हमारा गुरुजी का आज जन्म उत्सव है और भगवान का अहेतु का कृपा है, हमको एक परमहंस गुरु मिले हैं और एक आत्मज्ञानी गुरु मिले हैं। हम लोग धन्य है, शास्त्र में लिखा हुआ है तीन चीज बड़ा दुर्लभ है मनुष्यतम, और मनुष्य जन्म मिलना है और श्री गुरु जी का संग मिलना है और मुमुक्षुतम और भगवान को पाने के लिए इच्छा रहना है। हमको तो सब कुछ मिला है, हम लोग सिर्फ इच्छा रखना है कि इस जन्म में जैसे हम लोग को ईश्वर का प्राप्ति हो जाएगा और सबका आत्मज्ञान लाभ होगा। आज का जो कोरोना भय है, अभी का जो कोरोना भय है, उसको दूर करने के लिए हम भगवान का पास प्रार्थना करता हूँ, गुरु का चरण में प्रार्थना करता हूँ। आइए हम लोग सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।